हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि विंडो 10 में विंडो डिफेंडर परमानेंटली किस तरीके से ऑफ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें फ्रेंड्स। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि इसी प्रकार के वीडियो देख सकें आप सबसे पहले। तो दोस्तों, विंडो 10 में विंडो डिफेंडर आपको काफ़ी प्रॉब्लम करता है। कभी भी आप पेन ड्राइव या किसी भी फाइल को ओपन करते हैं तो वो उसे डिलीट कर देता है। तो विंडो डिफेंडर आपको ऑफ किस तरीके से करना है तो मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे आपको विंडो के सेटिंग बार में चले जाना है या अपडेट सिक्योरिटी पर क्लिक करके आपको विंडो सिक्योरिटी पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपको वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन पर क्लिक करके यहाँ पे माइनस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑन है और इसको आपको ऑफ करते हैं। और ऑफ कर जैसे ही करते हैं उसके बाद आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं वो फिर से ऑन हो जाता है। तो इसको परमानेंटली किस तरीके से ऑफ कर सकते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। तो आपको फाइनली फ्रेंड्स अपने सिस्टम में गूगल क्रोम को खोल लेना है। तो मैं गूगल क्रोम को खोल लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बार में टाइप करना है डिफेंडर कंट्रोल डाउनलोड, आपको लिख देना है। सिर्फ डिफेंडर कंट्रोल भी आप लिखेंगे तो ये आपको जो है उसी वेबसाइट पर ले जाएगा। आपको सेकेंड वाले वेबसाइट के लिंक पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे नेक्स्ट वाले पे। इसको क्लिक करने के बाद आपको ये फ्री मिलेगा फ्रेंड्स, तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आपको डाउनलोड का फ्री डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ये आपको ऐड दिखेगा, उसको क्लोज करके आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे ही आप इसको डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो ये आपको डाउनलोड हो जाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर काफ़ी छोटा सा सॉफ्टवेयर है फ्रेंड्स और काफ़ी काम का सॉफ्टवेयर है। तो इसको मैं यहाँ से कट करके इसको मैं डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ इस फाइल को, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे का प्रोसेस बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर फाइल क्रिएट करके इसमें इसको पेस्ट कर देता हूँ। देन उसके बाद आगे आपको क्या करना है तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो यहाँ पे आपको फ्रेंड्स सेम चीज़, यहाँ पे आपको रियल टाइम प्रोटेक्शन को आपको ऑफ कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे ऑन दिखे सबको ऑफ कर देना है, क्योंकि अगर रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑन रहेगा और इस फाइल को आप एक्सट्रैक्ट करके आप इंस्टॉल करेंगे तो उसको ये वायरस समझ के उड़ा देगा। तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इस फाइल को आपको ओपन करना है, पासवर्ड वाले पे क्लिक करके यहाँ से पासवर्ड आपको कॉपी कर लेना है, राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है। इसको आप काम खत्म हो गया है। उसके बाद आपको सेटअप को आपको रन कर लेना है। तो सेटअप रन करने के लिए आपको इस नीचे वाले पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सेटअप दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है डबल क्लिक। जैसे डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, यहाँ पे पासवर्ड आपको दे देना है, ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस टाइप का पॉपअप दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेगा, विंडो डिफेंडर विंडो आप यहाँ पे दिख जाएगा, डिसेबल विंडो डिफेंडर और इनेबल विंडो डिफेंडर। तो यहाँ पे मैं डिसेबल विंडो डिफेंडर पे क्लिक कर दिया हूँ। अगर आपका इसको शॉर्टकट रखना है तो इसमें मेन मेन्यू पे क्लिक करके यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसका शॉर्टकट आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे बन जाएगा। तो आप जब भी चाहें इसको आप डबल क्लिक करके ओपन करके आपको अगर डिफेंडर का ज़रूरत है तो उसको आप इनेबल कर सकते हैं, अगर डिसेबल करना है तो डिसेबल कर सकते हैं। तो मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ कि विंडो डिफेंडर परमानेंटली किस तरीके से ऑफ हो गया है। तो सेटिंग पे जाना है, अपडेट्स एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करके यहाँ पे विंडो सिक्योरिटी पर क्लिक करना है। वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे देख सकते हैं योर वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन इज मैनेज बाय ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि इसको आपने मैनेज कर दिया है, परमानेंटली ऑफ कर दिया है। अगर आपको फिर से विंडो डिफेंडर ऑन करना है तो आप सेटअप पे क्लिक करके आप यहाँ पे इनेबल विंडो डिफेंडर पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे रेड कलर का पॉपअप हो जाएगा और आपका विंडो डिफेंडर ऑन हो जाएगा। अगर आपको ऑफ करना है तो ऑफ करने का तरीका मैंने पहले ही बता दिया। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही इसे ऑन किया, अब विंडो सिक्योरिटी में जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विंडो सिक्योरिटी में गए
उसके बाद यहाँ पे आपको वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये विंडो डिफेंडर काम करने लगा। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। अगर आपको परमानेंटली ऑफ करना है तो पहले जैसे मैंने मेथड बताया उस तरीके से आप इसको ऑफ ऑन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।